हेलो स्टूडेंट टिल नाउ वी हैव लर्न हाउ टू डि गिवन नंबर्स नॉ टूडे वी विल सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजन बट बिफोर दैट वी मस्ट नो दैट इन विच कंडीशन्स वी हैव टू डि हमें डिवाइड कब करना है ये हमें समझना जरूरी है बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे कोई भी ऑपरेशन यूज हो सकते हैं फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन में से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन सो थ्री मैथमेटिकल ऑपरेशन का हम ऑलरेडी समझ चुके हैं नाउ टूडे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन विच सिचुएशंस वी हैव टू डिवाइड सो डू यू रिमेंबर दैट इन विच सिचुएशन वी हैव टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन के सिचुएशन हम कब करते थे मल्टीप्लाई गिवन वेन वन थिंग इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट मैनी वन का हमें मैनी बनाना पड़ता था बहुत सारे बनाने पड़ते सपोज कॉस्ट ऑफ वन टॉफी इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मैनी टॉफीज

मैनी चॉकलेट्स की कॉस्ट आपको दी है सपोज द कॉस्ट ऑफ थ्री चॉकलेट्स इज रूपीज फिफ्टीन थ्री चॉकलेट्स मैनी मैनी चॉकलेट्स की आपको कॉस्ट दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट सो इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड यू हैव टू डिवाइड सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर सो ज्यादा चीजों दी हुई है और आपको वन का निकालना है इन दैट केस यू हैव टू डिड एंड अदर सिचुएशन इज वैन दिंग इज गिवन एंड आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है देन इन दैट केस ऑल्सो आपको डिवाइड करना है So uh, let us take uh, one example. Suppose there are thirty toffees packed in six packets. So I will take uh, one example here. There are thirty toffees uh, packed in packed in six packets. now each box each box got equal number of toffees how many uh, toffees are there in

हाउ मैनी टीज आर देयर इन वन पैकेट हाउ मैनी टॉफीज आर देयर इन वन पैकेट सो हेयर टॉफीज इन मैनी पैकेट आर गिवन मैनी पैकेट आर गिवन सिक्स पैकेट की आपको टॉफीज दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दॉफीज इन वन पैकेट यू हैव टू फाइंड आउट द टॉफीज इन वन पैकेट सो आईवेव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब आपको मैनी थिंग्स गिवन है और आपको वन को फाइंड करना है ज्यादा दिया हुआ है और वन फाइंड करना है देन यू हैव टू डिवाइड सिक्स पैकेट्स में टॉफीज गिवन है और यू हैव टू फाइंड आउट द टॉफीज इन वन पैकेट सो मैनी टू वन सो हियर वी विल डिवाइड सो टॉफी इज इन सिक्स पैकेट इज गिवन सो वी विल राइट वी ऑलवेज राइट वट इज गिवन फर्स्ट जो भी चीज गिवन होता है उसे हम पहले लिखते हैं जो फाइंड करना है वो हम बाद में लिखते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो नंबर शॉर्ट फॉर्म में नंबर को डॉट नंबर ऑफ टॉफीज इन सिक्स पैकेट्स सो सिक्स पैकेट्स में आपको टॉफीज गिवन है यही गिवन है हमको कि टॉफीज इन सिक्स पैकेट्स कितनी हैं थर्टी नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड और तो कुछ नहीं दिया हमें सिक्स पैकेट्स में थर्टी टॉफीज सिर्फ यही बताया है दैट वी हैव रिटर्न व्हाट वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी टॉफीज आर देयर इन वन पैकेट सो विल राइट नंबर ऑफ टॉफीज इन वन पैकेट सो नंबर ऑफ टॉफीज इन वन पैकेट कितना हो जाएगी हमारे पास

So each packet has five toffees, or you can write here. There are there are because our question tha, how many toffees are there in one packet. So there are, how toffees are five toffees in one packet. So now I hope that it is clear that in which situation you have to divide. जब आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है और आपने वन को निकालना है इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू देर आर देर आर फोर्टी टू सपोज लड्डूज इन अ प्लेट वन प्लेट में कितने हैं फोर्टी टू लड्डूज हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सेवन पर्सन हाउ many will each get so now try to understand this question Ki there are 42 ladus in a plate one plate mate 42 ladus 42 ladus are given एंड दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सेवन पर्सन और ये लड्डू हमें सेवन पर्सन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बांटने हैं हाउ मैनी विल ईच गेट हर एक को कितना मिलेगा सो so यहां पर हमको क्या करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आई हैव टोल्ड यू टू सिचुएशन इन फर्स्ट सिचुएशन वी हैव टू मेक वन फ्रॉम मैनी मैनी से वन बनाने हैं हमने एंड अनदर सिचुएशन जब हमें फोर्टी टू को सेवन परसेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी विल ईच गेट हरेक को वन को कितनी मिलेगी सो सेवन परसेंट के पास फोर्टी टू लड्डूज हैं और आपने वन पर्सन निकालने के वन पर्सन के पास कितना मिलेगा हर एक पर्सन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वन पर्सन को कितना मिलेगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन सो नंबर ऑफ लड्डूज सेवन पर्सन गेट सेवन परसन के पास कितने लड्डू थे दैट आर फोर्टी टू तो ये भी एक तरह से मैनी टू वन का ही केस है सेवन परसन मैनी परसन के पास फोर्टी टू थे तो आपने वन परसन के लिए निकालना है सो so, और यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है देन ऑल्सो वी विल डिवाइड सो सेवन मैनी परसन के पास फोर्टी टू हैं यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लड्डूज ईच ईच मीन्स वन ये भी आपने हमेशा याद रखना है ईच मीन्स वन ऑलवेज रिमेंबर ईच पर्सन गेट्स सो ईच वन के लिए हमें कितना सेवन पर्सन के लिए हमें गिवन है वो ईच वन के लिए निकालना है मैनी टू वन वी विल डिवाइड फोर्टी टू डिड बाय सेवन सेवन का टेबल फोर्टी टू तक रिसाइट सेवन सिक्स टू सो सिक्स लड्डूज़ वन पर्सन को हर एक पर्सन को मिलेंगे सो ईच पर्सन गेट्स ईच पर्सन गेट्स लड्डू सो हेयर वट वी लर्न टू दैट अगर हमने मैनी बहुत सारी चीजों से वन बनाना है देन वी हैव टू डिवाइड सो रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली then only you will uh, find which of op mathematical operation you have to use so in next video we will uh, start worksheet number 11 and we will solve the word problems given in that worksheet thank you